हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, कहे न दिल की बात सदा चुप रहना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कस गाय। दोस्तों, आज एक छोटे से वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो कि अच्छा काम की कदर करते हैं, और ऐसे कुछ लोगों की वैसे इंसानियत जो है वो जिंदा है आज। जिस तरह हम लोग समाज सेवा करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उसी तरह हमारे अच्छे काम को प्रोत्साहन करने वाले ऐसे बहुत सारे शख्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे हौसले को बढ़ाते हैं, अपने प्यार से, मोहब्बत से, कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हमको दे देते हैं, कुछ गिफ्ट दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। तो वाकई ऐसा है कि अभी हाल ही में, आपको पता, 30 तारीख को यानी कल औरंगाबाद का मेरा प्रोग्राम था, और इसके दो दिन पहले मैं एक कॉल जो है करके आ रहा था, एक रेस्क्यू ऑपरेशन था मेरा बानेर में। वहाँ से जब मैं आ रहा था तो सिग्नल के पास से एक शख्स है, तो उन्होंने मुझे देखा वहाँ पे, और उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया, और उन्होंने मुझे कहा कि सर आप गाड़ी थोड़ी साइड में लीजिए। और गाड़ी साइड में लेने के बाद उन्होंने कहा कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा हाँ सर दे सकते हो आप। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक बहुत बड़ी बैग की दुकान है, जहाँ पे मेरे अच्छे अच्छे किस्म के लेदर्स के बैग वो जो मैं सेल आउट करता हूँ, और उनके काफ़ी 3-4 ब्रांचेस है। तो हालांकि मैं उनकी कोई शॉप का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसके बारे में बताना मत और इसके बारे में वीडियो मत बनाना, लेकिन जो इंसान अच्छा काम करता है उसको सामने आना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे अच्छे इंसानों की जब हम किसी को मिसाल देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे लोगों के अंदर भी एक अच्छा काम करने की प्रेरणा जाग जाती है। इसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उनका जो नाम है, हालांकि वो सरदार जी हैं, और उनको हम लोग प्यार से गोल्डी के नाम से जानते हैं, उनको प्यार से उनको गोल्डी बुलाते हैं। और उनकी मेरी एरिया में एक दुकान है लेदर की बैग की, तो मैं उनकी दुकान पे गया, जहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत ही हाई क्वालिटी का और अच्छा किस्म का बैग दिया। हालांकि मैं उसकी कीमत बताना नहीं चाहता था, क्योंकि कीमत बता के मुझे उसकी वैल्यू कम नहीं करनी, पर मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि जहाँ तक इस दौर में कोई इंसान के पास किसी इंसान के लिए सोचने का वक्त नहीं है, कोई इंसान किसी की 2-5 रुपये की मदद नहीं करता, वहाँ पे उस शख्स ने, गोल्डी जी ने मुझे इतना महंगा बैग दिया। और वो बैग काय का दिया है, इस चीज़ का बैग दिया है जो मैं स्नेक रेस्क्यू करता हूँ, जो मेरे पास बैग है, तो वो बैग उन्होंने मुझे दिया ताकि उसके अंदर मैं सांपों को पकड़ूँ, उनको छोड़ सकूँ। और जब तक ये बैग रहेगा तो इसकी दुआ उनको भी मिलती रहेगी। और वो बैग जो उसकी कीमत थी लगभग वो 1,850 रुपये का बैग है, 1,850 रुपये का बैग है, जहाँ पे आज के ज़माने में कोई किसी को 10-5 रुपये नहीं देता। तो उन्होंने इतना महंगा मुझे जो बैग दिया, और ये बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। मैं उनकी दुकान का ऐड नहीं कर रहा हूँ, और मैंने आपको उनकी दुकान के एरिया का नाम भी नहीं बताया, क्योंकि ऐसे जो अच्छे इंसान होते हैं वो बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वो कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करते, और बहुत सारे पुण्य का काम करते हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया इसके बारे में, तो मैं दिल से जो धन्यवाद देता हूँ हमारे, और सही में जैसे हम लोग बोलते हैं कि सिंह इज किंग, और सही में जो जितने भी जो सरदार होते हैं ये वाकई बहुत दिलदार होते हैं, वो वाकई में सिंह इज किंग है। और उन्होंने मुझे वो जो बैग दिया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितने हाई क्वालिटी का बैग है, 1,850 रुपये का बैग है। तो आप देखिए, तो दोस्तों तो आप देख सकते हो कि ये वो बैग है, और मैंने खुद आज तक कभी इतना महंगा बैग लिया नहीं, 400-450 रुपये के ऊपर बैग मैंने कभी लिया नहीं। और आप देखिए ये बैग, देखिए क्या हाई क्वालिटी का है। और उनकी जो जितने भी बैग है, उस बैग के ऊपर एक उनका एक ये एक साइन बना होता है, ये सरदार जी की जो पगड़ी होती है, ये पगड़ी का निशान है। और बहुत ही हाई क्वालिटी का बैग है ये, और इसके अंदर इतने सारे हिस्से, इतने सारे इसके जेबें हैं, इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हो कितना खूबसूरत बैग है। इसके अंदर देखिए, यहाँ पे इसको चेन है, यहाँ पे इसके अंदर जगह है, इसके अंदर जगह है, इसके अंदर जगह है, इसके अंदर बहुत कुछ है। यहाँ पे एक चेन है, यहाँ पे एक पैक है, उसके बाद फिर आप दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे देखिए, ये मेन पीछे की चेन, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसके अंदर जगह है, इसके अंदर छुपाने के लिए काफ़ी कुछ जगह है। तो ये इतना बड़ा बैग है, इतने हाई क्वालिटी का बैग है, दुनिया भर की इसके अंदर जगह है। तो मैं धन्यवाद दूंगा गोल्डी जी का कि जिन्होंने मुझे बैग दिया, और इस बैग को हमेशा भी मैं अपने साथ रखूंगा, और इसके अंदर मेरे
सांपों को पकड़ने की जो थैलियां होती है वो उसके अंदर मैं बना के रखूंगा, एक इमरजेंसी में, बरनी भी इमरजेंसी में रखूंगा, और उसके बाद इसमें टेप, इसमें कैंची, इसमें टॉर्च, इसके अंदर रस्सी, इसमें ऐसी हर चीज रखनी है कि हम जब कॉल पे जाते हैं, कॉल पे जाने के बाद हमको वहां पे किसी लोगों के सामने कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि उससे हमारा इंप्रेशन भी खराब होता है। बहुत सारे अवसर मित्र ऐसे देखो कि जब भी कॉल पे जाते हैं तो साथ में कुछ भी नहीं लेके जाते, जाने के बाद वहां पे लोगों से मांगते हैं बरनी दो, थैली दो, बोरी दो, ये दो, वो दो। तो हमको, हमारा क्या करना है, पूरा का पूरा जो सामान है वैसे एक बैग लेना है, और उस बैग के अंदर जो है हमको पूरा का पूरा हमारा पूरा किट इसमें रखना है। हमको हर चीज में तैयारी में रहना है, क्योंकि कौन सा सांप है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, हमको पता नहीं, तो इसलिए हमको पूरी तैयारी में बैग लेके जाना है। तो एक बार मैं गोल्डी जी का धन्यवाद दूंगा, इसी तरह भगवान उनको इतना दे, इतना दे, इतना दे कि उनमें से वो ये जो सेवा है, ऐसी लोगों की जो मदद है, गरीब लोगों की मदद है, बेजुबान जानवरों की मदद करते हैं, वो उनको खाना खिलाते हैं, बहुत बड़ा उनका दिल है, तो ऐसे ही वो जिंदगी भर ऐसी सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते रहे। तो एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत बैग, ये उनके बैग का लोगो है, ये देखिए कितने अंदर और कितनी सुंदर फिनिशिंग। तो दिल से धन्यवाद देता हूँ गोल्डी जी का। और इसी तरह ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं प्यार करने वाले, जो हमारे ऊपर प्यार भी करते हैं और हमको मिलने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि आज से 3-4 साल पहले मेरे पास एक शख्स गुजरात से आए थे, चिंतन कंसारा, जिन्होंने मुझे एक टोंग प्रेजेंट की थी, एक भेंट दी थी मुझे, और काफ़ी बार आपने वीडियो में देखी भी होगी वो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो जिनका दिल बहुत बड़ा है, और बहुत सारे जो अच्छे काम करते हैं उनको, उनका वो हौसला बढ़ाते हैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मदद करके। तो फिर से एक बार दिल से गोल्डी जी का धन्यवाद देता हूं मैं। और मैं कल ही औरंगाबाद से आया हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 30 तारीख को औरंगाबाद जा रहा हूं, तो कल मैं रात को मतलब आज सुबह मैं 4 बजे औरंगाबाद से वापस आया हूं, और काफ़ी बढ़िया और अच्छा कार्यक्रम हुआ है। इसके बारे में मैं अगली वीडियो बताऊंगा, और इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, और 600-700 प्रकार के वहां पे अलग अलग एरिया से सर्प मित्र आए थे, क्या क्या, किनके किनके मन में क्या क्या डाउट थे, क्या क्या सवाल थे, और काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां उस प्रोग्राम में आई थी। तो ये मैं एक अलग वीडियो बनाकर उसमें बताऊंगा। हमारे महाराष्ट्र के जो हमारे सबके चहेते, सबके लाडले स्नेक कमांडर आकाश यादव जी, वो भी आए थे, निर्जला मैडम भी आई थी, सर्प मित्र आनंद चिट्ठी जी आई थी, उनके साथ उनकी जो लड़कियां थी ज्योति जी और सुष्मिता जी, वो आई थी, जुन्नर के सर्प मित्र जो है नागेश्वरी केदार, वो भी आई थी, जुन्नर के सर्प मित्र दीपक माड़ी जी लेपर्ड रेस्क्यूअर, वो भी आए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए थे, तो इसके बारे में उनसे मेरी क्या क्या बातचीत हुई, लोगों का स्वभाव कैसा था, उनके रिएक्शंस कैसे थे, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो वहां पे मुझे एक हमारे खास दोस्त और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो वो मिले, जो कि ये सांप पकड़ने का एक बैग बनाते हैं और एक हुक बनाते हैं, स्नेक हुक। तो इन्होंने मुझे जो ये स्नेक हुक मुझे प्रेजेंट दिया था, उनका नाम है जितेश खंडागले, तो ये है वाशिम के। तो ये क्या करते हैं, इस स्नेक हुक के जो है खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसका जो प्राइस बहुत कम रखते हैं वो, इसका प्राइस मुश्किल से मेरे ख्याल से 300 रुपये शायद इसका प्राइस है, जबकि अगर आप किसी ऑनलाइन कंपनी से मंगाओगे तो 1800-2000 में सिर्फ ये स्नेक हुक मिलता है। तो ये सिर्फ 300 रुपये में देते हैं, और उसका जो कुरियर चार्ज और शिपिंग चार्ज जो भी होगा 150-200-250, तो इतनी बढ़िया जो ऐसे हुक है ये आपको उनके पास से मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। फिलहाल ये जो हुक है उन्होंने मुझे प्रेजेंट दिया है, अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है, ये एक उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, जिसके अंदर एक उन्होंने बैग दिया है, इस बैग को यहाँ पे मैं लगाऊंगा, और एक हुक के सहारे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक हुक के सहारे जब मैं किसी सांप को ऐसा उठाऊंगा तो उठा के डायरेक्ट इस बैग को थैली में ऐसे डाल दूंगा और उसको बांध दूंगा। तो इससे क्या होता है कि हमको इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी भी सेफ्टी करनी है, और जो सांप है उसकी भी सेफ्टी करनी है, क्योंकि हमारी जो काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर रिस्क नहीं होना चाहिए, और अगर रिस्क होता भी तो एकदम ना के बराबर होना चाहिए, बल्कि तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर तरीके से इन्होंने जो मैन्युफैक्चर किया है, तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल देके इसके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और उनका मैं मोबाइल नंबर आपको दूंगा, तो जिस किसी को भी चाहिए होगा तो वो डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनको गूगल पे करें, वो आपको कुरियर से भिजवा देंगे। तो मतलब कितना इतना चीप में, मुझे नहीं लगता कि शायद पूरे इंडिया में आपको इतने चीप में कोई ये इतना बढ़िया हुक आपको बना के देगा। तो बहुत जल्दी मेरी वीडियो आएगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए, और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और धूप भी काफ़ी है, और मुझे थोड़ा सा एक रेस्क्यू कॉल भी आया है अभी, तो जाके देखते पहले कौन सा सांप मिलता है कौन सा नहीं। तो अपना ख्याल रखें, सभी को मेरी तरफ से जो है दीपावली की मैं शुभकामनाएं एडवांस में देता हूँ आपको, दीपावली की सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और कोशिश कीजिए कि दीपावली के दिन
पटाखे ना जलाएं, बल्कि उसकी जगह पर जो खर्चा होता है वो खर्चा किसी बेजुबान प्राणी या किसी इंसानों के लिए कर दें, ऐसा मुझे लगता है। जल्दी से मिलेंगे हम फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र।